गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। थर्सडे का ये व्लॉग है और मॉर्निंग से मैंने स्टार्टिंग कर दी है अपने व्लॉग की। थोड़ा सा आज मैं लेट उठी थी क्योंकि हस्बैंड घर में नहीं है और आजकल थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ मैं क्योंकि वो गए हैं ऑफिशियल टूर से बाहर। वो मैं आपको एंड में व्लॉग के बताऊँगी और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं वहाँ जाने के बाद। तो व्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया था तो उसके बाद मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी, तो फिर सुबह सुबह उठते ही चाय की क्रेविंग होती है पहले, तो मैंने पहले चाय बनाई, पोहा बनाया। नाश्ता करने के बाद, एनर्जी लेने के बाद आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो आज पहले मॉर्निंग रूटीन जो मेरा रहेगा ना वो डस्टिंग का ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि सारी जो दिवाली की डीप क्लीनिंग है ना वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी डस्टिंग चल रही है अभी, जो है मैं लिविंग रूम की डस्टिंग कर रही हूँ। और ऊपर जो आप वो तस्वीर देख रहे हैं ना वो राधा रानी की और कान्हा जी की है, कृष्णा जी की, तो बस वहाँ उसको मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि ना अभी जो मैंने दीवारों पे जो तस्वीरें लगाई हुई है ना अभी मैंने उनको छोड़ा हुआ था। उनको वैसे तो उन पे कपड़ा लगता रहता है बट कोलीन से मैंने साफ नहीं किया था, तो आज मैं सोच रही थी कोलीन से साफ कर दूं, तो वो मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्वेरियम क्लीन कर रही थी और एकदम से ना जो फिश है ना एकदम से पता नहीं लड़ाई हो गई उनकी आपस में और मैं ना थोड़ा सा दूर खड़े हो गए, मुझे डर लग गया। तो क्लीन करते करते पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उछलने लगी वो और आपस में ना इतनी तेज दौड़ने लगी एक दूसरे, जैसे मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे लड़ाई हो गई, तो मैं ना थोड़ा डर गई थी। तो बस फिर मैं वहां से हट गई। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में और बेडरूम की ये जो मेरी अलमीरा है ना उसके ऊपर टेडी बियर रखती हूँ मैं, बट उसके जो ऊपर का पार्ट है ना उस पे दूसरे तीसरे दिन देखो ना इतनी मिट्टी जमा हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, एक लेयर सी जैसे जमा होती है ना वैसे हो जाती है। तो बस दूसरे तीसरे दिन ना मैं उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो आज तो मैं वैसे भी डस्टिंग थोड़ी सी डीप कर रही हूँ तो वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया और टेडी बियर को हटा दिया है क्योंकि जितने भी टेडी बियर मैंने घर में लगा रखे हैं ना आज मैं उन सबको वॉश कर दूंगी। तो वो हटाने के बाद जो वो बल्ब आप देख रहे हैं ना वो भी मैंने क्लीन कर दिया, साथ में जो हमारा वो फोटो फ्रेम था उसको भी मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। तो आज ना मैंने डस्टिंग की छोटी छोटी सी चीजें ली है क्योंकि जो डेली नहीं हो पाती है ना, डेली तो जो रूटीन में आती है वो आपको पता ही है किस किस चीज की डस्टिंग होती है। तो ये जो तस्वीरें होती है, बल्ब वगैरह होते हैं, तो ये डेली रूटीन में मैं नहीं करती हूँ डस्टिंग, इनको मैं करती हूँ पांचवे दिन या हफ्ते में, तो इस तरीके से करती हूँ, या फिर मुझे ज्यादा धूल मिट्टी दिखने लगती है तो मैं तब करती हूँ। तो ये डेली डस्टिंग में नहीं है, जब मैं डीपली डस्टिंग करती हूँ ना ये मेरे उसका रूटीन है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद एलसीडी के ऊपर भी ना मैंने दो टेडी बियर रखे हुए थे तो वो भी थोड़े गंदे दिख रहे थे, उनको भी मैंने हटा लिया, उनको भी वॉश करूंगी। और साथ साथ ये जो मैंने शेल्फ लगा रखी है ना एलसीडी के नीचे इसको भी मैं क्लीन करूंगी। इस पे पता नहीं क्या क्या सामान डेली हम रखते रहते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है, एकदम मैसी लगता है, तो इसको भी मैं आज क्लीन करूंगी क्योंकि आज मैंने छोटा छोटा सा पार्ट जो डीप डस्टिंग का पकड़ा हुआ है ना वही मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर। तो बस इसको भी मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जो सामान इस पे एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना वो मैं हटा दूंगी और रिमोट वगैरह जो डेली यूज के होते हैं वो मैंने उस पे रख दिया। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में और किचन की ये जो कैबिनेट्स है ना बाहर से इनको आज मैं कोलीन से क्लीन करूंगी क्योंकि इतना ऑयल लगता जमा होता है ना इनपे, तो ये ना तीसरे चौथे दिन इनपे ऑयल्स का जो वो एक लेयर सी जमा नहीं हो जाती है वो जमा हो जाती है, तो वो ना कोलीन से चमकता है एकदम से, और ये मतलब लकड़ी का भी है तो कोलीन से एकदम से बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो इसको मैं आज कोलीन की हेल्प से ही क्लीन कर दूंगी। और किचन की डीप क्लीनिंग तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो किचन की डीप क्लीनिंग तो मेरी पहले ही हो चुकी है दिवाली की। उसके बाद ये कैबिनेट्स का तो ये है रूटीन में होते रहते हैं, तो आज मैंने ये भी सोचा हुआ था कि ये जो कैबिनेट्स है ना बाहर से इनको मुझे कोलीन से अच्छे से क्लीन करना है। तो बस पूरी किचन की ऊपर वाली सारी कैबिनेट्स मैंने कोलीन की हेल्प से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो फ्रिज का जो ग्लास डोर आप देख रहे हैं इसको भी मैं कोलीन की हेल्प से क्लीन करूंगी, और ये तो डेली बेसिस पे भी होता ही है क्योंकि ये डेली इतना ज्यादा मतलब इसको हम खोलते रहते हैं ना तो इसपे ना उंगलियों के निशान बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं खोलते टाइम, तो इसका तो एक बार डेली का है ही, ये तो डेली बेसिस पे भी मैं क्लीन करती हूँ। बट आज मैं लगी हुई थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ ना डीप डस्टिंग के साथ साथ भी आपको अपनी डेली डस्टिंग का रूटीन भी शेयर कर देती हूँ मॉर्निंग का।
तो उसके बाद नीचे की कैबिनेट्स रह गई थी तो मैं वो भी सारी क्लीन कर दूंगी। और किस किस की दिवाली की सफाई चल रही है मेरी तरह मुझे बताना, मेरी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज कुछ मिल जाता है तो कल कुछ मिल जाता है, वैसे वाला हाल चल रहा है त्योहारों में। और मतलब डीप क्लीनिंग करने के बाद भी ना मेरा कुछ ना कुछ मुझे दिखता ही रहता है। और अभी जो मेरा गेस्ट रूम है ना उसमें थोड़ा सा काम है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, उसमें भी मुझे छोटा छोटा काम दिख गया। डीप क्लीनिंग तो मेरी पूरे घर की खत्म हो चुकी है, बट जो छोटा छोटा काम मुझे दिखता रहता है ना वो पता नहीं कहाँ से आता है निकल के, मेरा तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है त्योहारों पे भी। तो मैं अभी ऐसे ही लगी हुई हूँ, रोज कुछ ना कुछ काम ऐसे निकल आता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरीके से ना पूरे जो है किचन की कैबिनेट्स को ना बाहर वाली जो बाहर से इसका पार्ट होता है वो अच्छे से चमका दिया है कोलिन की हेल्प से। और कोलिन से ना ग्लास हो या फिर वुड हो वो हर एक चीज ना इतने अच्छे से चमक जाती है। डस्टिंग मैंने अच्छे से कर दी थी पूरे घर की, मतलब डीप डस्टिंग बोलेंगे इसको, तो वो सारी हो चुकी थी। उसके बाद झाड़ू भी मैंने लगा दिया था, तो अब आ जाती है पोछे की बारी। तो वैसे तो मैं मैजिक मोप से ही लगाती हूँ, बट आज मेरा मन हुआ, मैंने कहा थोड़ा अच्छे से सफाई कर रही हूँ तो आज ना बैठ के ही पोछा लगाऊंगी। तो पहले ना मैं ऐसे ही लगाती थी स्टार्टिंग में जब मैं मतलब शादी होके आई थी, बट अभी जो है ना मुझे मोप की आदत पड़ गई है। तो पहले ना मेरा मतलब पोछा लगाने का तरीका पता, आज तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक लगा रही हूँ, पहले मैं इतना लेट लेट के लगाती थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना मेरा अपने आप वो लेटने वाला ना बिल्कुल ऐसे घुटने बिल्कुल टेक के जमीन में मैं पोछा लगाती हूँ। और हफ्ते में एक बार मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ क्योंकि मेरा ना मन नहीं होता है। जब मोप से लगाओ ना वैसे तो चमक जाता है मोप से भी, बट एक बार हाथ से ना तसल्ली हो जाती है खुद को। तो हफ्ते में एक बार मैं इस तरीके से लगाती हूँ, बट अब ना इतनी थकान हो जाती है क्योंकि बिल्कुल भी हैबिट नहीं रही है इस तरीके से लगाने की। और मोप से जल्दी जल्दी लग जाता है ना तो उसकी हैबिट बहुत ज्यादा हो चुकी है। बट त्योहारों का टाइम है तो आज मैंने थोड़ी सी मेहनत करके ना इस तरीके से लगा दिया। और एकदम से यकीन मानिए इतना ज्यादा फ्लोर चमक गया था ना जिस तरीके से मैं लगा रही थी। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना या तो मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, हफ्ते में 2 बार तो मैं डालती हूँ, और नहीं तो मैं फिनाइल लेके आती हूँ ना, जो मुझे फिनाइल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो हमेशा एक ढक्कन ना पोछे के पानी में डालती हूँ जब भी मैं पोछा लगाती हूँ। तो आज भी मैंने पोछे के पानी में थोड़ा सा फिनाइल डाला हुआ है और उसी से मैं फ्लोर को साफ कर रही हूँ। और आज तो मैंने हाथों से मतलब हाथों की हेल्प से इतना ज्यादा चमका दिया है ना, और बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं और मेरे तो घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि इतने सारे बाल आते कहाँ से है, मेरे इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं अगर आप लोगों को कुछ पता है बाल ना टूटने का तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा पूरा घर मेरे बालों से भरा रहता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए सारा काम निपटा के शावर लेके आ गई थी, और हल्का सा मैं रेडी होऊंगी जैसे कि रोज का मेरा मेकअप रूटीन होता है। थोड़ा सा मैंने लोशन लगाया, उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक, एक बिंदी छोटी सी, और उसके बाद मैं आ गई लंच बनाने के लिए। तो लंच के लिए मैंने अपने आलू बॉयल कर लिए थे, आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन था। मतलब पराठे तो नहीं, मतलब ऑयली तो बहुत ज्यादा हो जाता है त्योहारों में, तो मैं सोच रही थी आज ना जैसे पराठे बनाते हैं ना वैसे तरीके से ना रोटी बनाऊं। तो बस उसी की मैं यहाँ पर तैयारी करी थी। आलू बॉईल हो चुके हैं और थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी, जो आलू की स्टफिंग बनाऊंगी ना उसको मैं थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने हरा धनिया हरी मिर्च अच्छे से कट करके रख लिया है, और अभी मैं यहाँ पर आटा लगा के रख दूंगी, तब तक मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। आटा अगर थोड़ी देर पहले लगा के रख दो ना, मतलब 10 मिनट पहले, तो तब आप रोटियां बनाते हो ना बहुत सॉफ्ट बनती है और आटा भी एकदम सेट हो जाता है। और उसी बीच में चाय भी बनने के लिए रखूंगी क्योंकि आलू बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे और मैं उनको छील नहीं पा रही थी, तो तब तक वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। और चाय भी मुझे, आपको पता है मैं थोड़ी ज्यादा पकाती हूँ तो मुझे ना बहुत ज्यादा पकने के बाद चाय अच्छी लगती है, तो तब तक मैंने यहाँ पर चाय भी रख दिया। और साथ साथ अभी आलू थोड़े ठंडे हो गए तो उनको भी मैं पील ऑफ कर लूंगी, और उसके बाद बनाएंगे अच्छी सी तीखी सी आलू की स्टफिंग। आलू को छीलने के बाद थोड़े से गर्म थे तो उनको मैं यहाँ पर ना मैशर की हेल्प से मैश कर लूंगी अच्छे से। और आज आलू बॉईल करते टाइम ना इतना ज्यादा ड्रामा सा हो गया, जो मेरा छोटे वाला कुकर था ना उसमें मैंने आलू बॉईल किए और पता नहीं उसमें क्या हुआ, रबड़ खराब हो गई कि सीटी खराब हो गई उसकी, इतनी देर लगी और आलू थोड़े से नीचे से जल भी गए थे। फिर मैंने उसमें से जल्दी जल्दी आलू निकाले और फिर मेरा जो 5 लीटर वाला कुकर है ना मैंने उसमें डाल के थोड़ा सा पानी और चढ़ा के तब दोबारा से बॉईल के, तब जाके आलू इतने अच्छे से बॉईल हुआ है और थोड़ा उसमें टाइम लग गया, इसीलिए मेरे लंच को भी थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च 2 कट करके
डाल दिया उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, उसके बाद मसाले जैसे कि धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा लास्ट में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। बस अब इसको मैं अपने हाथों की हेल्प से ना एकदम मैश कर लूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सारे मसाले और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और तीखा तो आज बनने ही वाला है, क्योंकि मैंने दो हरी मिर्च डाली है तीखी वाली। आज हस्बैंड भी नहीं है, वो थोड़ा तीखा कम खाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ अपने लिए। आज मेरा थोड़ा सा तीखा खाने का मन था। और यहाँ पर देखिए मैंने आटे को भी अच्छे से एक बार सेट कर लिया है लास्ट में, तो अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी अपने लिए आलू की रोटियां। वहां पे जाके मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो घूमने के लिए गए हैं मुंबई, और वहां से ना बहुत सारी क्लिप्स भेज रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। एक बार तो लग रहा था कि मैं भी साथ जाती तो और भी अच्छा होता है, बट कोई नहीं, ऑफिशियल टूर से गए और साथ साथ घूम भी रहे, तो मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है उनको। और मुझे काफी सारी वीडियोस भेजी है उन्होंने, जो कि मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सी बीच पे घूमने गए वहां पर। तो अभी मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। तो हस्बैंड गए हुए हैं 2 दिन से ऑफिशियल टूर पे, और अभी छोटी छोटी सी चीजें आपको दिखाऊंगी, क्लिप्स जो वहां से वो मुझे शेयर कर रहे हैं। वहां पर मीटिंग भी है, साथ साथ वो घूम भी रहे हैं। अब जिस जगह गए हैं तो घूमने की बहुत अच्छी जगह है ना, क्लिप्स भेज रहे हैं मुझे। और स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा ये हो गई, मैंने कहा मुझे लेकर नहीं गए, बट अभी हाँ ठीक है गए हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा इंजॉय करो फुल। तो वो ट्यूसडे को गए थे, आज तो वापस आ रहे हैं। बीच में 2 दिन की मैं छोटी छोटी चीजें आपको दिखाऊंगी, उस बीच में मैंने क्या किया, तो आज का पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सुबह से तो आपने देख ही लिया है कि मैंने क्या क्या किया है। तो फिर ये तो चले गए थे, फिर मैंने सोचा, मतलब मैं अकेले भी थी और मम्मी मुझे बुला भी रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मी से मिलाती हूँ। और त्योहार भी है भाई दूज का, क्योंकि बीच में मुझे इस बार टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाँव भी जाना है दिवाली पे, और गांव तो देखते हैं आज के बाद कब जाना होगा। तो इस वजह से ना मैं कल मम्मी के पास भी हो आई, क्योंकि अकेली थी तो मैंने कहा चलो मम्मी के पास हो आती हूँ। तो मम्मी को जो त्योहार पे देना था, मम्मी ने बोल दिया कि आ जा, तेरी मनपसंद का ही दिलवा दूंगी। तो बस अभी मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मम्मी ने त्योहार पे क्या दिया है मुझे, भाई दूज के त्योहार पे। तो मम्मी ने एक ये सूट दिया आलिया कट, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, मेरी पसंद का ही दिलवाया है मम्मी ने, बहुत ही सुंदर सूट है। जब पहनूंगी ना आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और मैंने अपनी ही पसंद से हस्बैंड के लिए मम्मी ने ये ट्रैक सूट दिलवाया, ये देखिए ये पूरा सेट है ट्रैक सूट का, तो उनके लिए ये ले लिया मैंने, क्योंकि अब सर्दी अभी आ रही है तो यूज का मैंने कहा कुछ ऐसे ही ले लेती हूँ जो यूज का होता है। तो एक मम्मी ने ये दिलवा दिया, ये मेरे ससुर जी के हैं कुर्ता पजामा, तो ये मम्मी ने ससुर जी के दिए हैं। तो करवा चौथ में अपनी ननंद को देती हूँ, तो मैं उनके करवा चौथ के लिए एक सूट लेकर आई हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैंने पैसे पूरे दिए थे, क्योंकि उस टाइम तक मैं ला नहीं पाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी पैसे रख देती हूँ, वो भी सूट के साथ रख दूंगी, तो मैं ये सूट लेकर आई थी उनके लिए, तो ये मैं उनको दे दूंगी। और एक मम्मी ने ये दिवाली का गिफ्ट दिया है, और खील बताशे चलते हैं ना हमारे यहाँ, उसके मम्मी ने मुझे 200 रुपए दे दिए कि दो मतलब खेल बताशे ले लेना अपने। तो बस ये चीजें मम्मी ने दी है। तो ये है मेरा त्योहार, आप लोगों का आ गया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो भाई दूज का त्योहार किस किस का आ गया, और ऐसे किस तरीके से होता है आप लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन पे बहन आती है और भाई दूज पे भाई जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है। वैसे तो मेरी बहन हमेशा आती है छोटे वाली, मम्मी उसको ही त्योहार लेके भेजती है, बट इस बार वो ऑफिस के चक्कर में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं, त्योहार अपना पहले कराई। तो जब वो ट्यूसडे को जा रहे थे ना, मतलब वो फ्लाइट में बैठ गए थे, उससे पहले भी काफी सारी पिक्स भेजी एयरपोर्ट से, बट जब फ्लाइट के अंदर बैठ गए थे तो उसके बाद उन्होंने वीडियोस बनाई होगी, तो वो भी मेरे साथ शेयर करी है। और देखने में इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और देखिए आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, और उसके अंदर बैठने के बाद का नजारा तो अलग ही होता है, क्योंकि जब हम वैष्णो देवी गए थे ना एक बार साथ में, तभी भी हम फ्लाइट से गए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम भी मैंने, वो 2017 की बात हो गई, तो उस टाइम तो मतलब फोन वोन भी इतने अच्छे नहीं आते थे, तो वीडियोस भी इतनी अच्छी नहीं बनती थी, बट आजकल देखिए ना कितने अच्छे अच्छे फोन आने लगे हैं, तो वीडियोस भी उतनी ही क्लियर आती है।
तो देखना कितना सुंदर व्यू लग रहा है ऊपर से। मैंने उनको स्पेशली कहा था जब फ्लाइट के अंदर बैठो ना तो अंदर से वीडियो बना के भेजना मुझे वो नजारा देखना, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा व्यू लगता है इतने ऊपर से ना नीचे का जो व्यू होता है ना, और जब बादलों के बीच चले जाओ आप तो अलग ही नजारा होता है देखने के लिए, और जब हम जैसे लोग देखे घर बैठे हुए तो और भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ये चीज। तो ये देखिए फ्लाइट का उन्होंने भेजा, फिर उनकी जो लैंडिंग होने वाली थी ना मुंबई में तो उन्होंने थोड़ा नीचे से बनाया होगा। समंदर में किनारा तू जो बिखरू मैं। तो मीटिंग होने से पहले ना जब वो पहुंच गए थे तो वो सब लोग जितने भी साथ में गए हैं वो सब लोग फिर जुहू बीच पे घूमने गए वहां पर, तो वहां से भी उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी और आपने सुन ही लिया कितना एंजॉय कर रहे हैं वो। पर जब वो इस तरीके से यहाँ भी रहते हैं और वहां भी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये। तो इस वजह से मैंने आपको वॉइस भी डाली है आप लोगों के लिए कि वो ना इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और मुझे यहाँ बैठे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठे ना उन्हें फील कर रही हूँ। और वो मुझे हर एक चीज, हर एक मतलब ऐसे होता है ना कि जितना टाइम उन्होंने वहां स्पेंड किया है ना, वो मुझे हर एक चीज ना यहीं पे बैठे हुए फील करा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए उन्होंने अपने होटल का, जिस होटल में वो रुके हैं ना, उसका भी वीडियो मेरे साथ छोटा सी क्लिप शेयर करी है कि किस तरीके का व्यू दिखता है उनके रूम से नीचे का पूरे होटल का। तो मुझे यहीं बैठे ना बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, सच बता रही हूँ। तो फिर ये उनका रूम है और अब वो रूम के अंदर जा रहे होंगे, तो यहाँ तक का उन्होंने मुझे भेजा है। और रूम की जो क्लिप है ना वो पता नहीं मिस हो गई। और बस मैं अभी हस्बैंड का ही वेट कर रही हूँ कि वो 5 बजे तक बोल रहे थे आने के लिए, तो 4 बजने ही वाले हैं अभी। तो खाना पीना मेरा सब हो गया है, तो मैंने सोचा आपको त्योहार दिखा देती हूँ और इस व्लॉग का एंड कर दूंगी। तो बस तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट प्लीज जरूर कीजिए मेरा व्लॉग देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे 5K हो जाएंगे ना तब मैं पूरा एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे कमेंट हो रखे हैं जिनका मुझे आप लोगों को रिप्लाई देना है। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।